इसलिए आज का वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि ये पता होना ज़रूरी है कि कौन सा पेन जो आता है हाथ के अंदर, पूरे हाथ के अंदर, वो किस वजह से आ सकता है। ठीक है, तो कॉमनली अपन देखते हैं, एक तो ये साइट होती है पेन की, जो कि कॉमनली कई काफ़ी टाइम से पेशेंट जो है परेशान रहता है। दूसरा आपका होता है ये टेनिस एल्बो, ठीक है। तीसरा होता है आपका गोल्फर्स एल्बो, ठीक है। चौथा होता है आपका TFCC, ठीक है। चौथा ये होता है आपका स्कैफोइड का पेन होता है, ठीक है। और यहाँ कभी कभार पेन आता है तो ये ट्रिगर फिंगर का की लोकेशन होती है। कभी कभार किसी किसी पेशेंट को जो है थंब के आसपास भी यहाँ भी पेन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो इन सभी जो ये कॉमन साइट्स हैं अपर लिम के लिए, जो कि यहाँ पर पेन पेशेंट को आते रहते हैं और काफ़ी लंबे समय से ट्रीटमेंट लेते रहते हैं पर रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। तो हम मेरा वीडियो आज इसलिए है कि ये पेन सारे आते क्यों हैं, इसका कॉज क्या है। तो कॉमनली ये देखने को मिलता है ये वाला पेन, जो बाइसेप्स टेंडनाइटिस का पेन है, जो कि पोस्चर की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको देख पुअर देखने को मिलता है इसका पेन कम होना। और साथ में अगर कोई इंजरी हो गई है तो वैसे उसका हीलिंग होना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा पेन आपका आता है टेनिस एल्बो का। तो टेनिस एल्बो और जो गोल्फर्स एल्बो है, दोनों ही क्या है, स्पोर्ट्स जो खेलते हैं उनमें तो कॉमनली देखने को मिलता ही है। साथ में क्या होता है कि जो कॉमनली ऐसे जो मूवमेंट्स हैं, ठीक है, इस मूवमेंट का काफ़ी स्पीडली और फास्टली और लंबे समय से मूवमेंट करते होते हैं, तो उनको जो है ये टेनिस एल्बो का भी पेन देखने को मिल जाता है। ये भी जो है किसी चोट की वजह से या फिर जो है ओवर यूज़ की वजह से आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा पेन आपका भाई डिक्वेंस डिजीज़ के लिए, जो कि थंब के आसपास आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको ये देखने को मिलता है कि पेशेंट का जो है ये जो मूवमेंट है, ये वाला जो मूवमेंट है, ठीक है, इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा पेन देखने को मिलता है पेशेंट को। तो जब ये मूवमेंट पे पेन आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ का जो टेंडन होते हैं, ये वहाँ पर उसमें क्या होता है कि सूजन जैसा जो होता है वो आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। दूसरा होता है आपके बिल्कुल रिस्ट के बीच में जो मिडिल फिंगर है, इस मिडिल फिंगर के बिल्कुल बीच में आपको जो है पेन देखने को मिलता है, ये स्कैफोइड का पेन आता है यहाँ पे। यहाँ पर अपनी कार्पल बोन में से एक जो बड़ी बोन होती है स्कैफोइड, वो काफ़ी ज़्यादा आपको जो है डैमेज आपको देखने को मिलती है, और उसकी वजह से जो है रिस्ट के मूवमेंट जो होते हैं एक्सटेंशन, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है। कॉमनली पेशेंट को यहाँ भी पेन आता है कभी कभार, तो यहाँ भी पेन जो आता है वो उसको जो है एक यहाँ पर टिश्यू होता है TFCC, उसकी वजह से भी आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन जो साइट्स होती है अपर लिम के लिए, जो कि पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा टाइम आता रहता है, और जो भी है पेशेंट ट्रीटमेंट लेता रहता है, पर ये ट्रीटमेंट जो है लेने के बाद में भी पेशेंट काफ़ी टाइम तक ठीक नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम एक नया वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ऐसे केसेस के लिए ये बहुत एक वीडियो काफ़ी बड़ा बन जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इनके जो ट्रीटमेंट प्लान्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।